नमस्कार, मौलिक फिल्म्स के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक जाने माने कलाकार, पेंटर और शिक्षक श्री नरेंद्र पंजियारा जी से। इन दिनों उनकी वैद्यनाथ शैली की जो पेंटिंग है चर्चा में है, तो आप जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपना ये पेंटिंग का करियर शुरू किया और वैद्यनाथ पेंटिंग तक पहुंचने में किन किन पड़ाव से गुजरे और रेडी किन किन पड़ाव से गुजर कर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आइए सीधे मिलते हैं नरेंद्र पंजियारा जी से। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो मौलिक फिल्म्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आखिर से ही शुरू करते हैं जी। वैद्यनाथ पेंटिंग आज आप ये शैली आपकी चर्चा में है जी। तो वैद्यनाथ पेंटिंग करनी है मतलब उस पर काम करेंगे, इसका बीजारोपण आपके मन में कब हुआ? इसकी परिकल्पना कैसे, किस तरह से हुई, कैसे इसको शुरुआत? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं बीज होता है तो अंकुर होता है, फिर वो जो है एक आकार लेता है। सबसे पहले हम बता दें कि जब हम देवघर आए 93 में, तो यहाँ हम देखे कि यहाँ की कोई पेंटिंग है कि नहीं। बहुत सारा खोज किए, बहुत लोगों से पूछे, बहुत सारे लोगों से जानकारी लिए, लेकिन कहीं किन्हीं से ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ की कोई पेंटिंग है। उसके बाद इस पर हम काम करने के लिए सोचना शुरू कर दिए। लेकिन चूंकि आप जिन चीज़ों पे आप काम करना चाहते हैं तो उस पर आपका एक खोज होना बहुत जरूरी है, रिसर्च होना बहुत जरूरी है। तो लगातार हम इस पर काम करते रहे, लिख के रखते रहे। उसके बाद 2016 में झारखंड सरकार हमको सम्मानित की, उसमें 25,000 रुपया मिला। उस पैसों से हम इसकी शुरुआत किए और हम सोचे कि ये अगर हमको 25,000 रुपया मिला है तो इसका कुछ ऐसा उपयोग कर दें जो कि बहुत दिनों तक इसको जाना जाए, एक यादगार बनाए जी। तो मेरी योजना में तो वैद्यनाथ पेंटिंग थी, तो फिर इसकी शुरुआत हम पहले से कर दिए थे, चूंकि इसके फॉर्म को, इसके लाइन को, इसमें कलर को किस तरह से करना है। तो मंदिर के कारण जो भी कल्चर डेवलप हुआ, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उन चीजों को एक चित्र श्रृंखला के माध्यम से हम इसमें बढ़ाना है। लगभग 108 पेंटिंग की ये श्रृंखला है और ये बन के तैयार हो गया। इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, तो इनकी बारीकियों पे, मैंने वैद्यनाथ पेंटिंग की बारीकियों पे तो आएंगे, लेकिन अब ये बताएं कि आप मुंगेर के रहने वाले हैं जी, हालांकि नज़दीक में है देवघर, फिर भी देवघर आने का, देवघर किस रहा है? देखिए, आने का पर्पस, वास्तविक में उद्देश्य कुछ नहीं था। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाबा नगरी में हम घूमने आए थे। अच्छा, यहाँ कोई रहने हमने आए नहीं थे। हम बड़े बड़े महानगरों में रहे लेकिन वहाँ हम रह नहीं सके और बाबा नगरी से हम जा नहीं सके। सिर्फ हम घूमने आए थे और यहाँ भूदान कार्यालय में एक मणिकांत बाबू थे, मेरे गांव के थे, उनके साथ ही हम देवघर आए थे। वो बोले कि चलिए घूमने देवघर, हम आपको दिखाते हैं देवघर कैसा है। तो फिर जब हम आए तो फिर यहीं रह गए। नरेंद्र जी, आपने बताया कि आप देवघर रहने नहीं आए थे, घूमने आए थे। आपने ये भी कहा कि आप बड़े बड़े महानगरों में रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि बड़े शहर में रहने के पहले तो थोड़ा सा पढ़ाई, आपने पढ़ाई कहाँ से की और खास कर कला की पढ़ाई कहाँ से की? जी, हम इस कला की पढ़ाई पटना आर्ट कॉलेज, जो पटना यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, वहाँ से हम किए हैं।
86 में एडमिशन लिए, 91 तक वहाँ थे। उसके बाद वहाँ पास आउट करने के बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली साल भर वहाँ रहे, वहाँ से लौट आए कुछ कारणवश, वापस घर चले आए रेडी। दिल्ली से वापस घर आए, उसके बाद फिर देवघर की यात्रा हुई 93 में, और फिर उसके बाद हम फिर यहीं रह गए। तो यहाँ आए, यहाँ आने के पहले आपने कहा कि बड़े शहरों में, तो किन किन शहरों में रहे और क्यों उन शहरों में रहने का कारण क्या था? उसके पीछे का उद्देश्य कला साधना ही रहा है, उसके पीछे दूसरा कोई कारण नहीं, कला साधना ही रहा है। बड़े बड़े महानगरों में रहे और रोजी रोजगार के लिए भी हम वहाँ पर थे, कि चूँकि बिहार झारखंड में कला का उतना महत्व उस समय नहीं था, तो हम लोग बड़े महानगरों में सारे कलाकार वहाँ जाते थे, हम भी वहाँ पर इसी कार्य के लिए हम गए थे। अच्छा, देवघर आया, आपने कहा घूमने आए, फिर रहने का इरादा कैसे हो गया यही रहना है? चूँकि देवघर हमारे लिए बहुत ही अच्छा जगह लगा कि यहाँ पर जो है हम बढ़िया बेहतर काम कर सकते हैं, और लोग यहाँ के अच्छे थे, वातावरण बढ़िया था। उसके बावजूद भी एक दो बार कोशिश किए कि हम बाहर जाएं, लेकिन हम वापस यहाँ से जा नहीं सके। तो देवघर आने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया? देवघर आने के बाद भूदान कार्यालय में थे, कुछ लोगों से संपर्क हुआ, उसके हमारे एक मित्र हैं पवन राय जी, उनसे संपर्क उनके आए, कॉर्निक उनकी एक संस्था थी, वहाँ बहुत दिनों तक हम काम किए। उसके बाद फिर वहाँ से अलग हटके जो है फिर हम अपना काम शुरू किए, इस तरह से मेरी यात्रा यहाँ से शुरू हुई। रेडी। अच्छा, देवघर आप आए, आपने उन संस्थाओं में काम किया, तो आपने पूरी तरह से अपनी कला पर ही केंद्रित होकर काम न करके आपने शिक्षण भी, तो इसके पीछे मतलब क्या कि आजीविका के लिए, या आपको लगा मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पूर्णकालिक कलाकार? 97 में हमको एक मुलाकात हुई आरके निगर जी से, जो दुमका के रहने वाले हैं, वो जदुपटिया कला के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनके साथ हमको जब संपर्क में आए तो काम करने का मौका मिला जदुपटिया पर, और फिर उनके संपर्क से ही एक वहीं के थे एसएस श्रीवास्तव जी, चीफ कोऑर्डिनेटर साक्षरता देवघर के, फिर हम उन्होंने हमको साक्षरता में जगह दिया, और बहुत दिनों तक लगभग हम 2000 ईस्वी तक वहाँ साक्षरता में हम काम करते थे। फिर 2000 ईस्वी से हम फिर एसकेपी विद्या विहार ज्वाइन कर लिए, उस समय से हम कला शिक्षक के रूप में एसकेपी विद्या विहार में ही काम कर रहे हैं। तो आप देवघर घूमने आए, फिर पेंटिंग वगैरह करते रहे, लेकिन कला शिक्षक भी जी जी, हालांकि इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप अखबारों में कार्टून भी बनाते रहे जी जी, तो कार्ट आपका आप आपके रुचि में कार्टून बनाना था, आपके सिलेबस में कार्टून बनाना था, कि आप कार्टून बनाना आपने कैसे? जी जी, जब हम पटना आर्ट कॉलेज में पढ़ाई करते थे हम वहीं से कार्टून बनाना सीखे। अच्छा, और कार्टून बनाते बनाते फिर जब हम देवघर आए वहाँ से तो छूट गई, फिर एलस्ट्रेटर के रूप में दीपायतन में एज ए एलस्ट्रेटर काम किए, जो प्रौढ़ शिक्षा की किताब छपी थी उस समय, उसमें भी मेरा एलस्ट्रेशन था, एलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं उसमें। और उसके बाद जब हम देवघर आए तो देवघर में चूँकि यहाँ से कोई अखबार छपती नहीं थी, पटना से छपती थी एक आपको इंडियन पंच, तो उस अखबार में भी हम जो है मेरा कार्टून छपते रहा बहुत दिनों तक आया इंडियन पंच में। उसके बाद फिर एक गैप हो गया, हम स्कूल ज्वाइन कर लिए ये, तो फिर हमारे यहाँ से जब प्रभात खबर छपने लगी तो उसमें एक संपादक आए हमारे संजय मिश्र जी, तो वो फिर हमको ढूंढ निकाले कि भाई यहाँ कोई इलस्ट्रेशन करते हैं, कार्टून बनाते हैं, तो फाल्गुनी मरी कुशवाहा जी हैं, वहाँ एक विधि संवाददाता है, उनकी कहानी क्राइम पर आती थी, उसमें हम
उनको हर कहानी में इलस्ट्रेशन करके देते थे और छपना शुरू हो गया। तो इस तरह से हम उस अखबार से जुड़ गए और फिर वहाँ धीरे 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 मेरी कार्टून भी वहाँ आने लगी। तो कभी ऐसा हुआ कि अखबार में ही इलस्ट्रेशन तो करते थे, मैंने डीआई आर्ट एडिटर की नौकरी का भी उनका प्रस्ताव आया? प्रस्ताव था, चूंकि मेरा प्रस्ताव तो आया कि आप जो है स्थायी रूप से इसमें हो जाइए, लेकिन मेरे था क्या कि एक जगह हम चूंकि ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे स्कूलों में, इसलिए जो है हम उसमें ध्यान नहीं दिए। तो जब आप आए वैद्यनाथ पेंटिंग की परिकल्पना तो आपके शुरू से ही मन में थी, लेकिन उसके बाद जो भी काम किया मैंने पेंटिंग के अच्छे, तो किस तरह की पेंटिंग आप करते रहे? क्या शुरू में हम नेचर पर आधारित, ग्रामीण जीवन पर आधारित मेरी पेंटिंग होती रही है, और फिर उसके बाद वुडकट प्रिंट में भी बहुत सारा काम मेरा है, वाटर कलर में लैंडस्केप वगैरह मेरा बहुत बढ़िया रहा है उस समय जो है। उसके बाद चूंकि इन सब चीज़ का मिला जुला रूप आप वैद्यनाथ पेंटिंग के रूप में आप देख रहे हैं, जो सामने अभी आपको दिख रहा है वो सब का मिला जुला रूप। बोलिए खाली की जो है एक कलाकार जो पेंटर जो एक पेंटर बन जाता है, जो एक कलाकार बन जाता है, उसको पहले काफी कई पड़ाव से गुजरता है। जी, तो पहला तो जो बचपन में स्कूल में या कॉपी पे रेखांकन करता है, कुछ स्केच करता है। देखिए मतलब आप जानना चाह रहे हैं कि शुरुआत कैसे होगी, मतलब हम इस फिल्म क्षेत्र में बचपन से किस तरह से आए। तो बचपन में माँ जब हमको ये मतलब कपड़े से गुड़िया बना के या और इन सब चीज़ों को, उस समय खिलौना होता नहीं था बचपन में, तो फिर हम उस बना के माँ खेलने देती थी, तो उसमें हम खेलने में इंटरेस्ट नहीं रहता था, बल्कि उसको बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट हम रखते थे। तो फिर हम वहाँ से उसकी शुरुआत की। फिर हम स्कूल में स्कूल जाते समय मूर्ति बनाते देखते थे, उसके तरफ आकर्षित हुए। गांव में पत्ता बनाने वाला आता था, जो रंग करता था, वो हमको बहुत आकर्षित करता था। तो इस तरह से मेरी जो यात्रा है, जैसे वहाँ शुरुआत हुई बचपन में, धीरे धीरे ये यात्रा इतनी बड़ी हो गई, जब उसके बारे में जानने लगे, पढ़ने लगे, करने लगे, तो हम नंदलाल बोस के बारे में जाने, तो नंदलाल बोस भी मेरे आदर्श रहे, क्योंकि इसके पीछे कई कारण है। एक तो नंदलाल बोस का जहाँ घर है, लगभग उसी जगह आसपास में मेरा भी घर है, बहुत कम डिस्टेंस में वहाँ से है। दूसरा चीज इसके कारण उनको पढ़ना शुरू किए। उसके बाद जो है नंदलाल बोस का क्या है कि वो एक सरल स्वभाव के, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व रखते थे, और उनका जो आर्ट होता है पूर्णतया ग्रामीण जीवन से रिलेटेड होता था, जो हमको पसंद आता, इसलिए हम उसके तरफ आकर्षित होते थे। और इस तरह से मेरी यात्रा बचपन से लेकर आज तक इस तरह से शुरू। तो उनसे क्या क्या चीजें ग्रामीण परिवेश में क्षेत्र बना सकते, ये बताइए। और क्या मतलब जो जब धीरे धीरे जब आप आकार ले रहे थे, कलाकार आकार ले रहा था, जी जी, तो वहां से क्या क्या चीजें आपने ली वहां से, जैसे कि उनका चीजों का आज आप क्या जी, जैसे कि आप रंग करने का जो तरीका होता है, लाइन करने का जो तरीका होता है, वो ज्यादातर जो है टेम्परा स्टाइल में काम किया करते थे। तो आज जो वैद्यनाथ पेंटिंग देख रहे हैं, ये टेम्परा में ही है इसको, क्योंकि अभी कलर को बहुत सारा कलर जो है बाजार में मिल रहा है, लेकिन जब वो काम करते थे तो उसमें पूरा का पूरा टेम्परा तरीके से ही करते थे, कलर को बना के करते थे। तो उसी तरह से हम भी इसको जो है टेम्परा तरीके से और लाइन और रेखा जिस तरह से बोर्डर से वैसे ही इसको हम बनाए। हम ये इसमें आपको देखने को सब सीधे आते हैं वेदना। जी जी, आपने कहा कि दिन भर जब आप आए जी, तब से आपके मन में वेदनाथ पेंटिंग बनाने
कि यही योजना बन गई थी पेंटिंग, तो योजना का आकार दिया 2016 में जी, तो इतने था जी 1993 से लेकर 2016 तक। तो वैद्यनाथ पेंटिंग कहीं मैंने धीरे धीरे आकार ले रही थी जी, कि अचानक 2016 से नहीं आकार ले रही थी, हम इस पर स्टडी कर रहे थे। जब आप किसी नए चीजों का निर्माण करते हैं उसके पहले उसकी तैयारी होती है। तैयारी क्या होती है, पूरे भारत के चूंकि ये एक लोक कला के रूप में इसको विकसित करना था, लोक फॉर्म में विकसित करना, फोक आर्ट के रूप में विकसित करना था, तो चूंकि भारत की जितनी भी लोक कलाएं हैं जो चित्रकला है उसका ऊपर ऊपर मेरा स्टडी हुआ कि किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। फिर जाके हम एक ड्राइंग भी इससे एक खासियत है, आप वैद्यनाथ पेंटिंग में आप इस चीज देखेंगे उसकी एक खासियत है। वैद्यनाथ पेंटिंग की खासियत क्या है आप देखिए, एक दो चीजों में, एक ये सर्कल है दूसरा एक ओवल है, दो ही आकार में ये पूरी वैद्यनाथ पेंटिंग बनी हुई है। अच्छा ठीक है, गोल और एक ओवल इस तरह से, ये इसका जो फेस है वो गोल है और नीचे का जो पार्ट है वो ओवल फेस में लिए हुए है, और इस तरह से वैद्यनाथ पेंटिंग का ये आपको किसी भी शैली में और आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर में आपने एक बॉर्डर में रखा जी जी, एक इसमें बॉर्डर देने की कोशिश की है, जो जो आपको आपको पीले रंग का होगा, लाल रेड कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, एक बॉर्डर बनाने की कोशिश की है। इसमें पूर्णतया एक लोक फॉर्म लोक कला जिसको बोलते हैं, एक उस तरह का एक टच देने का इसमें हम कोशिश की है। अब ये वैद्यनाथ पेंटिंग आपने कहा, एक तो आपने बताया कि ओवल और सर्कल सर्कल और एक बाउंड्री, आपने ये भी कहा कि आपने इसकी काफी रिसर्च की, तो जो आपने शोध किया जी उस शोध के जो बहुत सारी चीजें आई कहानियां आई जी, तो एक क्रमवार है कि जहां से इच्छा हुई वहां से आपने इसकी शुरुआत क्रमवार तो है, बनाए तो हम जहाँ कहाँ से हैं इसका नहीं, लेकिन इसका क्रमवार भी है, क्योंकि हमको सब्जेक्ट जो था इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट आते गया बनते गया, लेकिन इसका क्रम है। जैसे कि इसके इसमें जो है आप देखेंगे कि आपको सुल्तानगंज से कैसे स्नान करके फिर यहाँ तक बाबा तक कैसे आते हैं, उन चीजों को भी हम चित्र के माध्यम से दिखाए हैं। फिर आपको इसमें पीछे जो कहानी है कि रावण किस तरह से तपस्या करके बाबा का शिवलिंग यहाँ तक लाए, उसकी भी एक कहानी, उसकी भी एक चित्र श्रृंखला है। यहाँ मंदिर में जो बहुत तरह का पूजा का पद्धति है, विधान है, उन चीजों को भी हम इसमें लाए, उसकी एक अलग श्रृंखला है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा कल्चर डेवलप हुआ, जैसे झूमर है और सब चीजें हैं, उन चीजों को भी उनकी एक अलग श्रृंखला है। दूसरा यहाँ पर बहुत सारा आपको संस्कार होता है, जैसे विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार या मुंडन संस्कार, तो उसकी एक अलग श्रृंखला है। इस तरह से बहुत सारे चीजों को मिलके एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजों में ये एक वैद्यनाथ पेंटिंग का रूप 108 पेंटिंग की श्रृंखला है। आप मेरा एक क्रम भी है, आपने ये भी कहा कि आप रंग खुद बनाते हैं जी, तो रंग तो रंगों के समान जी, आप जो विधान है जो कार्यक्रम होते हैं जी, पूजा पाठ के लिए जो कहानियां होती हैं जी, तो रंगों का चयन कैसे करते हैं? देखिए इसके पीछे इसमें जितना भी आप देखेंगे बैकग्राउंड मेरा डार्क रहता है, डार्क बैकग्राउंड पर लाइट कलर का जो कलर है जो इसका जो मैं जो फिगर है वो हम लाइट कलर में रखे हुए, इसमें लाइट जो है ब्लैक कलर से किया हुआ है जिससे कि ये एक अलग उभार लिए हुए रहते हैं, और इस जो लाइट कलर का जो है जो उभर रहा है खास करके, और आपको बता रहे हैं कि लोक कला में खास करके जो फिगर बहुत ज्यादा उभर के सामने आता है, ज्यादातर तो लोक कला जो है भित्ति चित्र के रूप में था, उसे हम पेपर पर अभी ला रहे हैं, लोग घर सजाने के लिए मधुबनी पेंटिंग भी आप देखते हैं तो भित्ति चित्र ही था, लोग अभी पेपर पर लाने लगे हैं। तो आप यहाँ का झारखंड का भी जो है सोहराई पेंटिंग है वो घर को सजाने के लिए लोग बनाते थे, तो वो अभी जो है पेपर पर ले आए, तो ये पेपर से ही शुरुआत हुई थी, इसकी कोई भित्ति चित्र ये नहीं है, इसकी शुरुआत ही पेपर से हुई
और एकदम सोची समझे तरीके से, और हम बता रहे सर के दरमियान मुझे पता चला जो इस कल्चर पर जिस तरह से हम इसमें काम किए, इस तरह से कहीं भी कोई भी मंदिर के कारण जो कल्चर और कोई भारत में कहीं काम नहीं हुआ हो रहा है। काम क्या हो रहा है, देवी देवताओं का तस्वीर बन रहा है, ये सारी चीजें हो रही है और सब चीजें हो रही है, उस पर काम हुआ है। लेकिन इस तरह से वहां के सामाजिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक इन सब चीजों पर फिक्र नहीं बना है। एक नया काम जो होता है, नए शैली का अगर कोई काम होता है तो उसके पहले तो प्रचार बहुत मुश्किल, मतलब लोग जानने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपको बहुत जल्दी लोग जान गए जी। अब एक अभी भी चुनौती आपको पीछे है जी, खत्म नहीं हुई जी। पहले है कि यहाँ आपने जिस स्तर से आपने काम शुरू किया जी, तो एक वहाँ जो है वहाँ के लोग जो आपने जो कुछ दिखाया है वो कितना सही है जी, एक व्यवस्थित जी। अब दूसरी बात है, अब जो है ये तो यहाँ स्थानीय चुनौती है, एक बाहरी चुनौती जो बाहर क्रिटिक है, बाहर जो बड़े कलाकार हैं आप उनकी मानते हैं कि आप इस शैली को मान्यता देते हैं या दे रहे हैं या दे चुके हैं या अभी किस दौर में। अब आपको हम बता दें भारत के विभिन्न शहरों से, बड़े बड़े शहरों से आर्ट क्रिटिक जो है इस पर लिख चुके हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो भारत के जाने माने आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसकी काफी सराहना भी किया है। कोई खास खास लोग हो सकता है कि ईर्ष्यावश कुछ इसकी निंदा भी कर दें कि वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, इस बात को लेकर भी वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर मामले में आर्टिस्ट लोग भी हमको इसकी सराहना ही किए हैं, पत्रकार लोग सराहना ही किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत सरकार का कल्चरल मिनिस्ट्री जो है CCRT जो है वहां से हमको भारत सरकार ने फेलोशिप किया है इसके लिए। अब इससे ज्यादा और क्या इसके लिए सोच सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब जो है जो अब अंतिम जो इसका स्टेज है, अब इन लोगों को दिखाना जी, प्रदर्शनी शुरू हुआ जी। हाँ, अब तो इसकी प्रदर्शनी भी लगने लगी है, लोग इसके तरफ आ भी रहे हैं और लोग खरीदने के लिए भी इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब हमारी तैयारी उस तरह इसको रोजगार से जोड़ना है, बहुत जल्द जो है आपको विभिन्न फॉर्म में जो आप सामने एक देख रहे हैं ये भी एक उसी तरह से बांस पर बनाया हुआ है, आने वाले समय में आपको और सब चीजों पर पॉट के ऊपर में या आपको पेपर नसी के ऊपर में इस तरह से वैज्ञानिक पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा, बजार में इसको जो है उपलब्ध कराएंगे। और बहुत सारा फॉर्म जो सोच के रखे हैं उस पर भी मिट्टी पर भी आपको मिरर के रूप में आपको मिलेगा और कई चीजों पर इसको मिलेगा। ये तो एक आकार जो है हमने वैज्ञानिक पेंटिंग दे दिया है, इसका विभिन्न फॉर्म है जो एक व्यवसायिक रूप ले सके उस तरह से भी मेरा इस पर काम चल रहा है, तैयारी चल रही थी। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने इसको व्यवसायिक रूप देने का, इसको बड़ा रूप देने का। अब बड़ा अब यहाँ एक दो बात है कि जब आप बड़ा रूप देते हैं तो आपके साथ काफी लोग जुड़ते हैं उनके जोड़ने का। और दूसरी बात यह है कि जो आप अपने अगले के लिए तैयार कर रहे हैं उससे भी तैयार करेंगे जी। अभी आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे लोग यही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी लोग इसके लिए वैद्यनाथ पेंटिंग, अभी आपको पटना आर्ट कॉलेज की दीवारों पर वैद्यनाथ पेंटिंग बन गया, वहाँ का जो आर्टिस्ट है जो स्टूडेंट है वो आकर्षित होके इसको कर रहे हैं। दूसरा चीज वहाँ अभी आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि पटना डीप से 55 स्टूडेंट इसको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने इनको देखा, काफी सराहा है। बहुत सारे फैशन डिजाइनर इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि इसको हम किस तरह से, और अभी हाल में आए थे देवघर डीसी साहब के माध्यम से आए थे, यहाँ पर देवघर मार्ट खुला है उसमें इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारा फोटोग्राफी करके ले गए हैं, टी शर्ट पर आप देखिएगा, बैग पर देखिएगा, थैला पर देखिएगा, तो इन सब चीजों पर भी ये वैज्ञानिक पेंटिंग तो एक धीरे धीरे फैल रहा है। तो हम चाहेंगे कि
धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये पूर्णतया एक व्यवसायिक रूप ले। तो अभी मैं बात कर रहा था वैद्यनाथ शैली की पेंटिंग करने वाले कलाकार नरेंद्र पंड्या रहे थे। अभी बहुत सारी भविष्य की योजनाएं हैं खासकर वैद्यनाथ पेंटिंग को लेकर, तो बहुत उत्साहित है। अब धीरे से अभी प्रदर्शनी का सिलसिला शुरू होगा अपने देश में, देश के विभिन्न हिस्सों में, असम विदेशों में। तो इस बात को इस बोर्ड पे हम विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हम वैद्यनाथ पेंटिंग को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ाने